अच्छा ये देखो, तीन प्याज है ठीक है, इसमें से दो प्याज मैं काटूंगी, एक तुम काट लो। अगर मेरे दो प्याज काटने से पहले तुमने अपना एक प्याज काट लिया तो तुम यहाँ रह जाना, वरना श्रवण प्लीज तुम चले जाना यहाँ से। ओके, इसमें क्या बड़ी बात है, सुमन तुम जानती नहीं तुमने किसे चैलेंज कर दिया। पहले काट लो। आदमियों में ईगो इतना होता है ना, हार मानने को तैयार ही नहीं होता। अब जाओ। अगर ये दाल ढंग से नहीं बनी ना तो तुम देख लेना। अपने आप को क्या समझते है तो एकदम बच्चा। चुप, एकदम चुप। और अब ऐसी चुपचाप जाकर वहां दरवाजे पे खड़ी हो जाए, देखना कोई अंदर नहीं आया, कोई गड़बड़ की ना तूने धुरंधर, तू जा। श्रवण पुत्र, कब बनेगी दाल? तेरे को कितनी बार बोला ये टिंडे शिंडे का नाम ना लिया कर। पर लाला जी, दाल बनने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। देवी तक। और भैया, भाई से बहुत भूख लग रही है। मैं देख के आता हूँ, ओके? प्लीज। पानी पी के काम चलाना पड़ेगा लाला जी। वो किच्चड़ हो जाएगा पेट में। ओए धुरंधर, इधर आ। चल सर्व करने में हेल्प कर। मैं सासे सर करना। चुपचाप, क्या प्रॉब्लम है? अरे धुरिंदर जी, आप भी ना, मैं कर देती हूँ सर्व। श्रवण ये देख, धुरिंदर जी ने सारा खाना बनाया और अब कह रहे कि सर्व भी वही करेंगे। ओ सर, तीन बार हाथ से हाथ धोता हूँ ना दिन में। सॉरी हाथ, अब बहुत पानी है धर्मेंद्र जी, मजाक कर रहे हैं है ना? हाँ जी हाँ, मैं ये रख के आता हूँ। तब से वैली खड़ी होगी, एटलीस्ट सर्व करने में तो धर्मेंद्र जी की हेल्प कर दो। अरे इतना महंगा परफ्यूम। भाभी, 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 क्या है? आ रही हूँ। क्या हुआ? भैया की तनख्वाह बढ़ गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। डब्बू के पापा की सिर्फ मुश्किलें बढ़ सकती है, तनख्वाह वनखा नहीं। अच्छा, तो फिर इतनी महंगी परफ्यूम वो कहाँ से लाए? अरे प्रीति की होगी, तू भी ना रचना। 15,000 की परफ्यूम क्या प्रीति लेकर आएगी? 15,000? देखा, पर इस पे तो रेट का कोई स्टिकर नहीं है। अरे भाभी, एक बार मैंने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस किया था, इसलिए मुझे इस ब्रांड के बारे में पूरी नॉलेज है। इसका सबसे सस्ता परफ्यूम भी 10,000 से स्टार्ट होता है। 10,000? आज तो तुम बहुत महक रही हो। क्यों भाभी, अच्छी स्मेल है ना? ये कहां से आया? ये तो मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, लगता है कुछ ज्यादा ही खास है वो फ्रेंड। नाम क्या है? नाम मनोरमा। वो उस दिन फोन पे बात कर रही थी ना मैं, वही, उसी ने गिफ्ट किया है ये। आज तक किसी भी दोस्त ने तुझे एक लिपस्टिक तक नहीं दी और मनोरमा ने 15,000 का परफ्यूम दे दिया तुझे। 15,000 का? ये 15,000 का है? एक बात कान खोल के सुन ले प्रीति, ये दुनिया है ना बहुत खराब है, बिना किसी मतलब के वो गाली तक नहीं देती है। और उसने इतना महंगा गिफ्ट दे दिया तुझे, जरूर उसका कोई मतलब होगा।
समझी तू? और इस तरह के जो मतलबी दोस्त होते हैं ना, उनसे जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी बना के रखना। आई समझ में बात? चल रचना। 15,000, हमने तो पहली बार सुना है 15,000 का कोई परफ्यूम होता है। पुष्कर को मुझसे क्या मतलब होगा? क्या कमाल की दाल बनी है, हैं? ओ भाई ये दाल नहीं, कमाल थी। भाई वाह। देखा, इसे कहते हैं शेफ के हाथ का जादू। सीख लो तुम कुछ। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या ग्रेट लगा इसमें। मुझे तो ये दाल बहुत सोसो लगी है। सोसो? सोसो की खाना बनाती है तभी तुम्हें एक बेटर शेफ की दाल सोसो लग रही है। मुझे अर्जेंट? क्या हुआ यार अर्जेंट? ओके, कल सुबह लोधी गार्डन 9 बजे। लो जी खासे खाना तो हो गया, जैसे जाऊं? ठीक है तो अंदर जी। वैसे भी जाने वाले को कौन रोक पाता? हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। हाँ जी मजाक। पासे पेमेंट। ओह आई एम सो सॉरी बेटा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8,000। 8,000? पागलों क्या, एक दाल के लिए 8,000 दे रहे हो? इस दाल के लिए कोई भी अमाउंट बहुत छोटा है। ओके भाई, मेरा तो पेट बहुत भर गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने। बहुत चंगा खाना था भाई, बहुत चंगा खाना था। चल सुमो बाय, मुझे कुछ मेल्स करने थे। बाय। चल सी यू। बाय। मैं फिर से कहूंगा कि मैं आप जैसा स्वीट और टैलेंटेड इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अरे बोल तो बस, आप बुलाते रहिएगा बस। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वासे वेलकम जी, बस बुलाइएगा आप। अच्छा अब चलता हूँ। वासे बाय जी। बाय। बाय जी, बाय बाय। ऐसे घूर क्या रही हो? हेलो, सॉरी आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। वो हाँ जी, बस थोड़ी सी और देर आपको वेट करना पड़ेगा। सी यू, बाय बाय। किसका फोन था वो? जीवन। तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, सीधे बोलो ना, जीवन। चलो अब। बस ये रैक्स लकड़ी की होती थी पहले। तुम आए हुए हो यहाँ पर? हजारों बार, बचपन में रोज आता था मैं यहाँ पे। याद नहीं एक दो बार तुम भी आ गई थी गलती से मेरे साथ? वो घर पास में था ना उस टाइम पे, स्कूल के बाद यहाँ आता था और बस ऐसे ऐसे मूड में बैठ जाता, पूरे दिन बैठ जाता, सो भी जाता था, बुक पढ़ता रहता। फिर रहमो चाचा था। जी रहमत चाचा। अब्बू आजकल यहाँ कम आते हैं। उनकी तबीयत तो
जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह उनकी तबीयत बहुत ठीक है, पर मैंने पहचाना नहीं आपको। जी मैं उनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, उनसे बोलिएगा श्रवण आया था, ऐसे पहचान जाएंगे। जी जरूर। अब मैं समझी कि निर्मला आंटी इस शॉप का नाम सुनकर चौंक क्यों गई थी। सुमो, रहमत चाचा ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मैं उनसे कोई भी बुक मांग लूं वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए ढूंढ के ले आते थे। इतना हुआ करता था मैं चश्मे पहन के। आओ मैं तुम्हें अपना फेवरेट सेक्शन दिखाता हूं। कम ऑटोमोबाइल्स एंड देयर इंजंस। तो तुम्हें बचपन से ही कार्स का शौक था? शौक पागल था मैं कार्स के बारे में, क्योंकि माँ तो कहती थी कि कहती थी निर्मला आंटी। श्रवण, तुम कुछ बताते बताते रुक गए। कुछ नहीं, तुम्हारा वो जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कह तो रहा था कि आकर वेट करेगा, अब मैं फोन करके देखती हूँ। लग नहीं रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। और श्रवण तुम यहाँ आकर बैठो ना। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस वहाँ पर है ना, तो मैं चाहती हूँ कि जब जीवन अंदर आए तो सबसे पहले उसे मैं दिखाई दूँ। ये तुम्हें अपने जीवन से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट नहीं हो गया? अच्छा अब यहाँ बैठ जाओ ना प्लीज, इधर आओ। सुमो प्लीज। श्रवण, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? क्या ढूंढ रहा है? माँ, मैंने रहमत चाचा को एक कार की स्पेसिफिकेशन वाली बुक मंगवाने के लिए बोला था, कहाँ गई वो बुक? चलिए, रहमत चाचा आपने बोला था ना कि वो बुक आ गई है, कहाँ है वो बुक? तूने अपनी फेवरेट अलमारी देखी क्या? जा देख देख पहले। हाँ चलिए माँ। आराम से। हाँ चाचा मिल गए, चलिए। लुक एट दिस मां, ये होगी मेरी फर्स्ट कार। वेरी नाइस। और मैं आपको ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पर। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
अब तुम्हें क्या हो गया? अब कुछ नहीं, बस ऐसी। श्रवण चले? जीवन से मिले बिना? बाहर में जाए जीवन, चलो। यार बेचारा कहीं ट्रैफिक में अटका होगा, वेट कर लेते ना थोड़ी देर। मैं कह रही हूँ ना, चलो श्रवण, चलो। सुमो, तुम सच में क्रैक हो यार। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आ जाएगा जीवन, इस पे रोने वाली बात क्या है? रोना नहीं, आँख में कुछ चला गया। ओ क्यों? बैठो चल। निर्मला, सुमो, तुम रहमत चाचा, श्रवण, श्रवण, चले। तुमने कुछ नहीं, श्रवण देर हो रही है मुझे। श्रवण कम, चलो कम, आ जाओ, श्रवण। सुमन, मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है। बट थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को देख पाई। पुरानी यादें, पुराने दिन फिर से जी पाई। I can't thank you enough. आंटी बैठिए। आंटी मुझे ऐसा लगता है कि कल जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया है। आंटी मुझे नहीं पता था कि आप श्रवण को देखकर इतनी इमोशनल हो जाएंगी। मैं नहीं जानती थी कि आज भी आपके दिल में श्रवण के लिए इतना प्यार, इतनी तड़प है। एक माँ का अपने बच्चे को इतने बरसों बाद देखना और इमोशनल होना नेचुरल है। आप ही नहीं आंटी, श्रवण भी है जो आपको आज तक नहीं भूला। आज भी उसके दिल में आपके लिए उतना प्यार, उतनी तड़प। मैंने देखा था, बुकशॉप में एंटर करते ही वो अपने बचपन की यादों में खो गया था। मुझे नहीं लगता। तुमने देखा नहीं, मेरा नाम लेते ही चुप हो गया था। कैसे नफरत के भाव उसके चेहरे पर आ गए थे। नहीं सुमन, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है आंटी, आपको पता है उस दिन मैं श्रवण के ऑफिस गई थी और उसने पीसीटी से खाना ऑर्डर किया था, और श्रवण नहीं जानता था कि खाना पीसीटी से है। और एक्सीडेंटली मैंने वही दाल बनाई थी जो आपने मुझे सिखाई है। एंड यू वोंट बिलीव आंटी, उस दाल को खाते ही श्रवण इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसे उस दाल की स्मेल, उसका टेस्ट, यहाँ तक कि उसकी रेसिपी तक याद है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि आज भी उसके दिल में आपकी यादें, आपकी बातें सब जिंदा है। नानू कहते हैं कि यादें धुंधली जरूर हो सकती हैं, लेकिन मिटती नहीं। अभी भी वक्त है उन धुंधली यादों को ताज़ा करने का। अभी भी वक्त है आंटी उस प्यार को पाने का जिसे आप और श्रवण इतने सालों तक दूर हैं।
आंटी ये काम मैं आपके लिए कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था 10 साल पहले कि आपके और श्रवण के बीच में इतनी गहरी दरार आ गई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.